देख सकते हो काफ़ी सेक्सी और एग्रेसिव लुक आ रही है। सो दिस इज़ द फाइनल वर्क, पीछे स्टिक। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो वंस अगेन। और आज के वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं जा रहा हूँ अपने सीट कोवल को रैप कराने, एंड उसका मेरा प्रीवियस वीडियो था लाइक टू मंथ्स पहले का, एंड 160 का सीट कोवल, तो मैंने उसे लिया था। तो वो ग्रे कलर का था और ग्रे और ब्लैक का उस पर मतलब स्टिकर लगा हुआ है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना उसको थोड़ा लुक चेंज किया जाए, क्योंकि ग्रे उतना बाइक के लुक को बढ़ाता नहीं है। मतलब सीट कोवल तो काफ़ी अच्छा लगता है बाइक पर, बट थोड़ा सा रैप कराने से लुक और इन्हांस हो जाता है। तो चलिए अभी फटाफट जा रहे हैं दिग्घा साइड, दिग्घा नहीं पाटलिपुत्रा साइड, वहाँ पे कोई रैप का शॉप है, वहाँ पे तनिष भाई अपना वेट कर रहे हैं। वहाँ पे कोई शॉप है जहाँ पे वो अपना सारे रैप कराते हैं, बहुत अच्छे से रैप करते हैं भैया। तो वहीं पर जाएँगे अपन और फटाफट रैप करवाएँगे, और थोड़ी बहुत गाड़ी में भी डिटेलिंग करवानी है थोड़ा बहुत, मतलब सस्पेंशन में गोल्डन रैप एंड ऑल। तो चलिए फटाफट चलते हैं। और स्टिकरिंग जो था मेरा वो सीट कोवल पे था, तो मैंने बेसिकली रेड कलर का स्टिकरिंग करवा लिया था, जो कुछ ख़ास नहीं लग रहा था, थोड़ा मतलब अजीब लग रहा था ओल्ड स्टाइल टाइप। तो मैंने सोचा कि नहीं वहाँ से, क्योंकि सीट कोवल तो मेरा ग्लॉसी ब्लैक रैप हो जाएगा, तो नाम को मैं क्या करूँगा इस वाले पैनल पर, जो साइड वाला पैनल है दोनों तरफ, तो अपना इंस्टा और यूट्यूब नेम लोगों के साथ वहीं पर लगवा लूँगा। एक्सीडेंट के बाद मैं लीन बहुत ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ और ना ही बहुत ज़्यादा स्पीड चला रहा हूँ, क्योंकि एक्सीडेंट के बाद मतलब कि यार खर्चा जो हुआ वो तो हुआ, वो तो ऑब्वियस ही बात है, एक्सपेंडिचर तो आपका होता ही है, लेकिन जो चोट लगती है अभी भी मेरे इस वाले राइट हैंड में, जब मैं इसे थोड़ा सा मतलब कि टाइट करता हूँ, पंच बनाता हूँ, तो बहुत थोड़ा बहुत पेन आता है, स्ट्रेन आता है मसल्स में। सो हेलो एवरीवन, फ़िलहाल अभी हम लोग पहुँच चुके हैं, ये रहा हम मनु आर्ट्स, यहीं पे अभी हम लोग रैप करवाने वाले हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था ये सीट कोवल, जिस पर मैंने अपना पूरा ये लोगो वगैरह किया था, इसको मैं पूरा ग्लॉसी ब्लैक कर दूंगा, और अपना इंस्टा और यूट्यूब लोगो और नेम यहाँ पर रहेगा मेरा टैंक के आगे वाले पार्ट में। और लोकेशन की अगर बात करें तो फ़िलहाल अभी हम लोग पाटलिपुत्रा वाले रोड में हैं, इसे विवेकानंद मार्ग मतलब कि बोरिंग रोड के एरिया से कहते हैं। इस तरफ आप अगर राइट हैंड साइड देखोगे तो कुर्जी निकल जाएगा, और जिस तरफ ये गाड़ियाँ जा रही हैं इस तरफ आपको बोरिंग रोड से ये रोड आती है। और यहाँ पे आप देख सकते हो नंबर भी दिया हुआ है 7858956685 और 7091273065। और देखिए बहुत सी और भी चीज़ें होती हैं, जैसे कि फ्लैक्स बोर्ड, लाइट बोर्ड, एंड इसका मैं साइन का एक पिक का अपलोड कर दूंगा, वीडियो में ही लगा दूंगा। तो जिन्हें भी कांटेक्ट करना होगा या गाड़ी में कुछ काम कराना होगा या कोई और भी काम होगा तो वो यहाँ पे कांटेक्ट करते हैं। फिलहाल भैया आ रहे हैं, तो आते हैं तो फिर बात करते हैं। Oh yeah. Are we talking about
about losing control? I'm gonna show you how we lose control, baby. Watch this. Look, Marty Mark. Watch the way I start up. I've been going hard, but I can go way harder. Every beat I'm on, yeah, you know that I slaughter. And I'm always looking gorgeous, chilling with somebody's daughter. Yeah, she loving me. Say she love the way my chain sitting contemplate. And of course, it says my name if you wanna wait. To let you know who's finna blow. Always winning, check the scope. I'm only losing control.
detail. Hello everyone. तो देख सकते हो गाड़ी पे मैंने थोड़ी बहुत स्टिकरिंग की जो वर्क करवाना था वो मैं करवा चुका हूँ आगे में और थोड़े बहुत साइड में. तो देख सकते हो सीट कवर मैंने रैप कराया और ये साइड में दो रेड और आगे वाइजर पे भी वही चीज़ है और थोड़ा साइड पैनल. और यहाँ पे अगर आप देख सकते हो तो सस्पेंशन भी थोड़ा बहुत मैंने यहाँ पे रेड करवाया. और शॉप की डिटेल्स और नंबर्स मैं आपको डाल दूँगा ताकि आपको भी अगर कुछ भी काम कराना हो बाइक से रिलेटेड तो आप यहाँ पे आके करवा सकते हो. काफ़ी रिजनेबल प्राइस मिल मुझे सीट कवर रैप ये मेरे को आगे वाइजर में दो पट्टी है. मैं आगे जाके आपको सारा चीज़ दिखाता हूँ. मेरे को सिर्फ 250 रुपीज़ पर है. तो पीछे जो है ना से वो भी इसी शॉप पे रैप हुई है और फुल बॉडी रैप का जस्ट 1500 रुपीज़ कॉस्ट लगा है. काफ़ी रिजनेबल प्राइस में काफ़ी अच्छा रैप किया गया है. तो रैप के लिए आप यहाँ पे प्यार से आ सकते हो और काफ़ी अच्छे से रैप करते हैं भैया क्योंकि काफ़ी पुरानी शॉप है इनकी. एक और शॉप है दिग्घा साइड में बट जो मेन इक्विपमेंट्स भैया रखते हैं वो यहीं पे रखते हैं. और फिलहाल अभी हम लोग पाटलिपुत्रा ये कॉलोनी में कह सकते हो आप हैं. आप देख सकते हो तनिष भाई की एनएस काफी ही सेक्सी लग रही है. देख सकते हो काफी सेक्सी और एग्रेसिव लुक आ रही है. सो दिस इज द फाइनल वर्क. पीछे स्टिकरिंग मडगार्ड पे पहले से था और जो मैंने रैप करवाया था वो है सीट कवर जो कि आप देख सकते हो विजुलाइज. इसको रैप करने का मुझे नहीं पता इंडिविजुअली कितना लिया. ये रैप करवाया और जो दो लाइनिंग आप देख रहे हो ये लाइनिंग आगे वाइज़र फ्रंट लुक आप देख सकते हो गाड़ी का फ्रंट लुक ये है. और साइड पैनल ये मैंने रैप करवाया और यहाँ पर आप देख सकते हो थोड़ी बहुत सस्पेंशन ये वाला चीज़. अभी भी बहुत सारी चीज़ें वो रैप कराना बाकी है उसका क्योंकि अभी मेरे पास और थोड़ा लेट भी ज़्यादा हो रहा था क्योंकि अप्रॉक्स टाइम 4:28 के अप्रॉक्स हो रहा था तो इसीलिए निकल गया. तो ये आप देख सकते हो दिस इज़ द फाइनल लुक. तो चलिए वीडियो को एंड यहीं पे करते हैं. वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें.